हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल वेस्टर्न गाइड। दोस्तों, अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया का 5 सबसे बेस्ट सेविंग अकाउंट, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीरो बैलेंस के साथ हमारा खाता ओपन हो, और वो कौन ऐसा 5 बैंक है जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने सारे आपको बैंक बताएंगे सब में ऑनलाइन खाता खुलता है, अर्थात ये कि आपको कहीं भी ब्रांच वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसमें अकाउंट ओपन करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि कौन-कौन से वो बैंक है और क्या-क्या उसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। और गाइस, यहां पे मैं आपको कंप्लीट यहां पे इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करूंगा कि किस-किस बैंक में आपको जीरो बैलेंस के साथ अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, 96% हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिल जाता है। दोस्तों, चलिए जो सबसे हमारा फर्स्ट नंबर बैंक है, यहां पे गाइस वो बैंक है आईसीआईसी बैंक की तरफ से आने वाला आईसीआईसी इंस्टा माइन अकाउंट। दोस्तों, इस अकाउंट की जो खास बात ये है कि आईसीआईसी ऐसे बड़े बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। और गाइस, अगर इस अकाउंट की बात करें तो यहां पे गाइस आपको नील मेंटेनेंस चार्ज है, आप एक भी रुपए अपने खाते में नहीं रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने अकाउंट को यहां पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब गाइस, यहां पे हम बात करते हैं कि अगर आप आईसीआईसी बैंक में इंस्टा माइन अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप इस अकाउंट को ओपन कराते हैं तो यहां पे गाइस आपको मास्टर कार्ड का जो डेबिट कार्ड मिलता है, और यहां पे गाइस जो आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों कार्ड मिल जाता है। अगर वर्चुअल कार्ड की कीमत की बात करें तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, लेकिन गाइस जो इसकी फिजिकल कार्ड है, कार्ड की जो फी है वो है गाइस 177 रुपीज प्लस जीएसटी। अब गाइस बात करते हैं चेकबुक को लेकर। तो गाइस, इंस्टा माइन अकाउंट में आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिलती है। आप जैसे अपना खाता खोलते हैं, आपको बाई कुरियर के थ्रू आपका जो डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके लिए बाय पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पे जो चेकबुक की कीमत है वो गाइस यहां पे नील है। दोस्तों, सबसे पहले अब बात करते हैं कि ये जो अकाउंट है वो कौन-कौन से लोग खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस अकाउंट को जिनका एज 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में है, जिनके पास एक वैलिड आधार कार्ड है, वैलिड पैन कार्ड है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे आप जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे, आपकी जो कंप्लीट गाइस जो केवाईसी है वो वीडियो केवाईसी के थ्रू हो जाती है। सिंपल वीडियो केवाईसी के साथ यहां पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह सब कुछ आपके घर पे बाय पोस्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे गाइस इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको इस बैंक में 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं इसकी चार्जेस की। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको चार्जेस बता दिया है कि अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हैं तो उसका 177 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज है। साथ ही गाइस, यहाँ पे जो आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, उस एटीएम कार्ड से आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन है, आप 5 बिल्कुल फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको जो कार्ड मिलने वाला है, उस कार्ड की खास बात यह है कि उस कार्ड से आप एक दिन के 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जीरो बैलेंस के अकाउंट के साथ हमको आईसीआईसी इतना फैसिलिटी दे रही है। तो अगर आपने आईसीआईसी बैंक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप आईसीआईसी बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट बैंक। अब बात करते हैं गाइस, यहां पे दूसरा कौन सा बैंक है जीरो बैलेंस के साथ इंडिया में जो सबसे बेस्ट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे बैंक की तरफ। तो गाइस, यहां पे जो दूसरा बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाला कोटक 811 अकाउंट। गाइस, इस अकाउंट की भी जो खास बात वो है कि आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, अपने खाते में जीरो बैलेंस रखेंगे तब भी बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट में आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, यहां पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों मिल जाता है। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। यहां पे अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हैं तो इसकी जो फिजिकल कार्ड ये है गाइस, आप इसके कार्ड पे अपना फोटो लगवा सकते हैं, आपको इसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। और दोस्तों, यहां पे जिसकी कार्ड की जो फिजिकल कार्ड की कीमत है वो है गाइस 199 रुपीज प्लस जीएसटी। यहां पे गाइस आप इस कार्ड को ऑर्डर करके अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, यहां पे आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन गाइस वो चार्जेबल होता है, उस चेकबुक के लिए बैंक आपको चार्ज करेगी। अब गाइस बात करते हैं इसमें आपको और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो गाइस, यहां पे सबसे पहले जो आपको केवाईसी कराने की कोई भी झंझट नहीं है, बैंक आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी देती है। मतलब ये कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपके घर पे आपका जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा बस आपके मोबाइल के जरिए। तो गाइस, आपको ये इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। साथ ही गाइस, आपको इस अकाउंट में और भी जो फैसिलिटी मिलती है वो है गाइस यूपीआई की फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जितने कोटक के प्रोडक्ट हैं आप सारे यहां पे फैसिलिटी यूज कर पाओगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे मेन यहां पे जो मुझे अच्छा लगा वो है गाइस, इस अकाउंट के साथ आपको कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आप यहां पे एफडी करते हो तो एफडी का आपका 80% का अमाउंट
को आपको क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, उस केस में कोटक 811 जो सेविंग अकाउंट मैंने आपको बताया है, इसमें आपको गाइज एक कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी गाइज कोई भी चार्जेस नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री है। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए बैंक बेस्ट हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। और गाइज यहाँ पे अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो आपको ये सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो अकाउंट है वो कौन कौन से लोग खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिया के निवासी है, आपका एज 18 साल है, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड, वैलिड पैन कार्ड है, तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अकाउंट कैसे ओपन करना है इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए चेकआउट कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब गाइस बात करते हैं तीसरे नंबर पे, वो तीसरा कौन सा बैंक है जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो इंडिया का सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो गाइस यहां पे हमने जो तीसरे नंबर पे रखा है वो है गाइस स्टेट बैंक की तरफ से आने वाला इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। गाइस ये जो बैंक है स्टेट बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है। अब गाइस यहां पे आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गाइस यहां पे अगर आप इस अकाउंट में जीरो बैलेंस रखते हैं, मतलब अपने खाते में कोई भी पैसे नहीं रखते हैं, तो बैंक आपको चार्ज नहीं करता है। साथ ही गाइस ये जो खाता है आप कहीं भी बैंक जाके नहीं खुलवाना है, आपके घर पे आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे जो एडिशनल बेनिफिट मिलती है वो है गाइस वीडियो केवाईसी की। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपन तो करते थे लेकिन आपको ब्रांच जाके उसकी केवाईसी करानी होती थी, लेकिन गाइस इस अकाउंट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको ब्रांच नहीं जाना है, आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने अकाउंट की केवाईसी कराएंगे। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको एक बैंक में आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका जैसे ही आप खाता खोलेंगे आपके घर पे बाई पोस्ट आपके घर पे आपका जो डेबिट कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, और इसके लिए गाइस आपसे बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेती है। यहाँ पे गाइस हम बात करें चेकबुक की, तो आपको इस अकाउंट में चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको ब्रांच बेसिस आपको कोई भी जो सर्विसेज है आप इनकी लाभ नहीं ले पाएंगे। अब गाइस ब्रांच बेसिस का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रांच में जाके वहां पे पैसे वगैरह नहीं निकलवा सकते, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। इसमें गाइस अकाउंट की जो बाउंडेशन है वो यही है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप SBI के साथ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये जो गाइस बैंक है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। गाइस इसमें बात करते हैं कि इस बैंक में कौन कौन से लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिया के निवासी है, आपका एज 18 साल है और यहाँ पे गाइस आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड, वैलिड पैन कार्ड है, तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सेविंग अकाउंट पे 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जाइए वीडियो चेकआउट कर लीजिए। अब गाइस बात करते हैं अपने चौथे बैंक अकाउंट का, जो कि गाइस ये भी इंडिया का सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। जी हां गाइस हम बात कर रहे हैं फेडरल बैंक की तरफ से आने वाला फेडरल सेल्फी अकाउंट। गाइस इस अकाउंट की भी जो खास बात यह है कि गाइस इसमें भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ ये अकाउंट ओपन होगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, और यहां पे गाइस आपको जो चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, चेकबुक आपको ₹5 पर पेज के हिसाब से आपको चेकबुक मिलता है। साथ ही गाइस यहां पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड जो भी आपको इशू बैंक करेगा उसके लिए आपसे ₹1 चार्ज नहीं करेगा। आप अकाउंट ओपन करेंगे, यहां पे अकाउंट ओपन करने के बाद आपके घर पे बाई पोस्ट आपका जो डेबिट कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको जो डेबिट कार्ड है वो गाइस यहां पे आपको समझना होगा, यहां पे गाइस जो डेबिट कार्ड है आपको नेक्स्ट ईयर से इसका जो चार्जेस है वो ₹300 प्लस GST है। साथ ही गाइस आपको इस अकाउंट में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलेगा जैसा कि आप जानते ही हैं। अब गाइस यहां पे बात करते हैं कि और भी आपको क्या-क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिल जाती है, अर्थात आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप घर बैठे इस अकाउंट की वीडियो केवाईसी कर सकते हैं और आपका जो अकाउंट है फुल केवाईसी हो जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको इस अकाउंट में इनकी जो भी प्रोडक्ट है, जैसे इनकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनकी पासबुक, जितने सारे सर्विसेज हैं आपको इस अकाउंट में मिल जाएंगे। और गाइस यहां पे आपको UPI की फैसिलिटी, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, जितने सारे UPI एप्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फेडरल बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यहां पे गाइस अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आप कौन कौन से लोग ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इंडिया के निवासी हैं, आपका एज 18 प्लस है, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड, वैलिड पैन कार्ड है, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं पांचवें नंबर पे, यहां पे सबसे लास्ट आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट अकाउंट कौन सा है जिसमें आप जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे हमने जितने सारे अकाउंट्स बताए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि जाइए आप HDFC में BSBD अकाउंट खुलवा लीजिए, एक्सिस में BSBD अकाउंट खुलवा लीजिए, जो खुलता है स्पेशली नहीं है। यहां पे मैंने आपको वही बैंक बताया है जो खुलता है, जिसको मैंने लाइव खोल के आपको दिखाया है। तो गाइस यहां पे हम पांचवें नंबर के ऊपर बात करते हैं कि पांचवें में कौन सा बैंक आता है, तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं। तो गाइस यहां पे जो पांचवें नंबर पे हमारा अकाउंट आता है जीरो बैलेंस के साथ, वो है गाइस इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला इंडस मैक्सिमा सेविंग अकाउंट। गाइस इस अकाउंट की भी जो खास बात यह है कि इसमें आपको पैसे मेंटेन नहीं करने हैं, जीरो बैलेंस के साथ ये अकाउंट ओपन होगा। अब गाइस बात करते हैं इस अकाउंट की फीचर्स क्या है। तो गाइस यहां पे जो सबसे यहां पे जो
काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे गाइस इंडसइंड बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे 5.25% का इंटरेस्ट रेट दे रही है सेविंग अकाउंट्स पे, तो ये आपको इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो है गाइस वीजा प्लेटिनियम प्लस डेबिट कार्ड, जिसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे गाइस जो डेबिट कार्ड की चार्जेस है ये है गाइस 1500 रुपए प्लस GST। यहाँ पे गाइस इसकी डेबिट कार्ड की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, तो गाइस आप डेबिट कार्ड लेते हैं उसके लिए आपको 1000 रुपए का वाउचर बैंक आपको देती है, तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट इस अकाउंट में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी डेबिट कार्ड चूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने खाते में उतना पैसा रखना है, इनिशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में कितना पैसा डलाते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर आप इंडसइंड बैंक में इंडस मैक्सिमम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको इनिशियल फंडिंग 20000 रुपए करना है। आपको अपने अकाउंट में 20000 रुपए डालना है, अकाउंट ओपन करने के बाद अपने पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे गाइस जो आपको प्लस पॉइंट मिलता है वो है गाइस इसकी डेबिट कार्ड से आप एक दिन के 1,25,000 रुपए निकाल सकते हैं। आपकी POS लिमिट है वो है गाइस 2,00,000 रुपए पर डे का, तो यहाँ पे गाइस आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और प्लस पॉइंट मिलता है इंडसइंड बैंक में कि यहाँ पे आपको एक वीडियो ब्रांच एप्लीकेशन मिलता है, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने ब्रांच की एम्प्लॉय से डायरेक्ट वीडियो कॉल के ऊपर बात कर सकते हो। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको इस अकाउंट में आपको UPI की फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही आपका जो कार्ड है बाई पोस्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे गाइस इंडसइंड बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि इस अकाउंट को मैं 5वें नंबर पे रखा हूं, ये इसलिए क्योंकि आपको इस अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करना था। अभी गाइस आप जो पिछले 4 बैंक्स देखे होंगे उसमें आपको कोई भी पैसे नहीं डालने हैं, आप 0 बैलेंस के साथ अपना एक खाता खोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के निवासी अगर आप हैं, आपका एज 18 साल प्लस है, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड वैलिड पैन कार्ड है, तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस अकाउंट की, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर चूज करने का मौका मिल जाता है, आप अपने मन पसंद के हिसाब से यहाँ पे अकाउंट नंबर रख सकते हैं, आपको एक प्लस पॉइंट इंडसइंड बैंक में मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इंडिया के 5 बेस्ट बैंक्स जो मेरे हिसाब से है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें गाइस अगर हमने कोई भी बैंक छोड़ दिया है या गाइस अगर आप चाहते हैं मुझे कोई और भी सुझाव देना कि ये भी बैंक्स बेस्ट है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और यहाँ पे गाइस जो भी इनके मैंने चार्जेस बताए हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो गाइस अगर भविष्य में ये चार्जेस चेंज होता है तो वेस्टर्न गाइड इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और गाइस यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा है। दोस्तों यहाँ पे जितने सारे अकाउंट्स हैं आपको सबका अकाउंट ओपनिंग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप घर बैठे ये सारे अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।